नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजोन मोर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दोस्तों, आज एक अहम मुद्दे पर बात करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या होता अगर आपके पास ऐसी शक्ति होती कि आप किसी को भी जिंदा कर सकते और किसी को भी पल भर में मार सकते? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको भारत की ऐसी हस्तियों से रूबरू कराएंगे जो पल भर में किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति से जिंदा कर सकती है या मार सकते हैं। आपको मालूम हो कि अभी पिछले दिनों बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर प्रमुख हैं। आपको बता दें, इन सभी बड़े नेताओं की मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने काला जादू करके इन्हें मारा है। ऐसा सुनकर आप हैरान न हो, क्योंकि इसका पुख्ता प्रमाण है। ये बात खुद भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कही है। वहीं जो बात बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कही है, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। जब कोई बात बीजेपी के ऐसे सांसद ने कही है जो सांसद के साथ साथ बहुत बड़ी हिंदू धर्म की साध्वी भी हैं, तो अब बात पर विश्वास करना तो बनता ही है। यानी कि अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जब इतने पढ़े लिखे लोग साध्वी ऊपर से और सांसद होकर के इस बात को कहें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस बात पर विचार करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे बयानों का सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी कई बड़े बड़े नेता ऐसे विवादित और बेतुके बयान दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हकीकत में ऐसा होता है? क्या किसी के द्वारा काला जादू करके किसी को मारा जा सकता है? आपका उत्तर शायद यही होगा कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर काला जादू या इस प्रकार की कोई शक्ति इस दुनिया और भारत में होती, तो विभिन्न देशों के बॉर्डर पर सैनिक शहीद नहीं होते। सीधा एक बार में ही एक काला जादू करके दुश्मन की कितनी भी सेना को एक पल में कोई भी देश मार सकता था। इस देश के साथ साथ दुनिया भर में अस्पताल और डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। एक पल में किसी भी शक्ति से किसी भी व्यक्ति का इलाज किया जा सकता था, यहाँ तक कि मरे व्यक्ति को भी पुनः जीवित किया जा सकता था, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पर तर्क करने वाली बात ये सामने आ रही है कि अगर काला जादू नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी कई हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी सांसद ऐसे बेतुके बयान क्यों देते हैं? और अगर कोई ऐसे बयान देता भी है, तो समाज का एक बहुत बड़ा भाग सब कुछ जानते हुए भी उनका मौन समर्थन क्यों करता है? उनका विरोध कोई क्यों नहीं करता है? कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति ऐसे बयानों का स्पष्टीकरण करके क्यों नहीं कहता है कि काला जादू या इस प्रकार की शक्तियां इस दुनिया में होती हैं या नहीं? केवल खाना पूर्ति के लिए ऐसे बयानों की प्रतिक्रिया में ये ही क्यों कहा जाता है कि ऐसा हमने नहीं किया है? क्या उनका ऐसा बोलने का मतलब ऐसा होता है कि काला जादू होता तो है, लेकिन ये हमने नहीं किया है? क्या वो केवल ऐसा कहकर इस बात का समर्थन करते हैं कि ऐसी शक्ति से किसी को मारा जा सकता है, लेकिन हमने नहीं मारा है? इसको भी मैं आपको सिलसिलेवार समझाऊंगा कि ऐसे बेतुके बयानों का कोई नेता या हाई प्रोफाइल व्यक्ति कड़ी निंदा क्यों नहीं करता है। तो चलिए, आइए मैं बताता हूँ कि इसकी असली वजह क्या है। नंबर एक, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को कुछ विशेष समुदाय के लोग ने सदा हाशिए पर रखा है। नंबर दो, हाशिए पर रखने का कारण देश की सत्ता पर काबिज बने रहना, यानी कि जो लोग अभी वर्तमान में सत्ता में हैं, वो एक विशेष समुदाय को हाशिए पर यानी कि सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। और वंचित रखने का मुख्य कारण है कि वो हमेशा सत्ता में बने रहें। नंबर तीन, सत्ता पर काबिज लोग जानते हैं कि इस देश में केवल अशिक्षा, भुखमरी, अंधविश्वास, गरीबी व पाखंड आदि का वजूद होने तक ही वे इस देश में शासन कर सकते हैं। अर्थात जो वर्तमान में इस देश की सत्ता संभाले हुए हैं, उनके हाथों में सत्ता जब तक ही है जब तक कि भारत में अशिक्षा, भुखमरी, अंधविश्वास, गरीबी व पाखंड है। नंबर चार, भारत पर शासित लोग जानते हैं कि भारत की जनता को अशिक्षा, भुखमरी, अंधविश्वास व गरीबी से ग्रसित रखने के लिए
भारत में पाखंड का बना रहना बहुत जरूरी है। देश की जनता द्वारा पाखंड को समझते ही अशिक्षा, भुखमरी, अंधविश्वास व गरीबी जैसी समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। नंबर 5, अब आप समझ गए होंगे कि देश में कुछ विशेष समुदाय का सत्ता पर काबिज बने रहने के लिए देश में अशिक्षा, भुखमरी, अंधविश्वास और गरीबी का होना जरूरी है, और ये तभी संभव है जब भारत में पाखंड रहेगा। अतः इसीलिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे कई हाई प्रोफाइल व्यक्ति समाज को गुमराह करने के लिए समय समय पर जनता का दिमाग और ध्यान भटकाने के लिए, देश के भोले वाले मूलवासी समाज को ये एहसास कराने के लिए कि जादू टोना होता है के लिए ऐसे बयान देते हैं। लेकिन ऐसे बयान देने वाले खुद अच्छी तरह से ये जानते हैं कि जादू टोना व ऐसी कोई अलौकिक शक्ति इस दुनिया में नहीं होती है जिससे कि किसी को मारा जा सके या जीवित किया जा सके। अब समझना आप लोगों को है कि इनके बातों पर ध्यान न दें, इनके चंगुल से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको ये खबर कैसी लगी? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमसे जुड़े रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करें, और अगर खबर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।